माननीय मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 की 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना इस पाठ का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का क्विक रिवीजन हो जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से ही लगभग सारे प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं वो इनमें से ही आएंगे। तो एक दो बार वीडियो आप इसको पूरा अच्छे तरह से देख लें ताकि आपका कोई भी प्रश्न है वो छूटे नहीं। इसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको करूँगा और पिछले साल भी मैंने इस तरह के वीडियो बनाए थे जिसमें सभी लगभग जो गत साल कोर्स में थे पाठ जो हटा दिए थे उनके अलावा सभी पार्टों के वीडियो है वो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। मई 1964 में नेहरू जी की अचानक मृत्यु हो गई और उसके बाद में राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू जी के बाद में देश की कमान है कौन संभालेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक शब्द आता है खतरनाक दशक। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। एक नंबर के सवाल में ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि गरीबी, बराबरी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि जो सवाल है अभी भी अनसुलझे थे और इनके कारण इस दशक को 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। अगला जो पॉइंट है शास्त्री जी, तो पंडित लाल में जो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया और लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में प्रधानमंत्री बनाया। तो नेहरू जी के बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे जो 1966 तक रहे यानी 2 साल के अल्प समय के लिए रहे और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद जो तत्कालीन सोवियत संघ में और वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जैसे कि आपको पता होगा जो सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो 15 अलग देश हुए थे उनमें उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद है, जो उस समय सोवियत संघ में था। तो उसकी राजधानी में शास्त्री जी की अचानक देहांत हो गया था और शास्त्री जी 1951 से लेकर 1956 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में और इसी दौरान एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था और 1957 से 1964 तक पूर्व मंत्री भी रहे और उन्होंने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था। तो शास्त्री जी के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो 10 जनवरी 1966 को तत्कालीन सोवियत संघ के शहर जो ताशकंद था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। 1964 से 66 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। अगला जो पॉइंट है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी है वो शास्त्री जी का अचानक मृत्यु के बाद में पुनः राजनीतिक उत्तराधिकारी का संकट पैदा हुआ और इस बार मुकाबला मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में था और किसी भी एक नाम पे सर्वसम्मति नहीं होने के कारण कांग्रेस सांसदों ने गुप्त मतदान का सहारा लिया और इसमें इंदिरा गांधी ने मुरारजी देसाई को हरा दिया और देसाई है वो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो जीवन काल है 1917 से 1984 तक, 1966 और से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 1971 और 80 के में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में उन्होंने विजयी बनाया और गरीबी हटाओ का नारा दिया जो काफ़ी फेमस रहा और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई नाथुराम गोडसे, सॉरी इनकी हत्या, इनके जो भी दो बॉडीगार्ड थे स्वतंत्र सिंह और केर सिंह उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब चौथा आम चुनाव, जैसे कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि पहले जो आम तीन आम चुनाव थे उनमें कांग्रेस का प्रभुत्व था लेकिन चौथे आम चुनाव में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। तो फरवरी 1967 में चुनाव में कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता चुनाव हार गए और उस समय कांग्रेस 9 राज्यों जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास प्रांत में सरकार नहीं बना सकी और 1952 में जो पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा कायम था वो 1967 के चुनाव में समाप्त हो गया। तो 1967 के जो 67 के चौथे जो आम चुनाव थे वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी उथल पुथल वाले थे, इम्पोर्टेंट थे। अगला हमारा टॉपिक है चुनावों का संदर्भ। तो 60 के दशक में अनेक कारणों से देश में गंभीर आर्थिक संकट था और जिस कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, खाद्यान्न की कमी हुई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों की स्थिति बदतर होती गई और लोग सरकार के विरोध में उतर आए और इसी काल में गंभीर सांप्रदायिक दंगे भी हुए और मार्क्सवादी समाजवादी दल से अलग हुए मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट ने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया और किसानों को संगठित करने का काम किया।
अब एक शब्द आता है गैर कांग्रेसवाद, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार पूछा भी जाता है गैर कांग्रेसवाद क्या है। तो कांग्रेस विरोधी वोटों को चुनाव में बढ़ने से रोकने के लिए सभी विरोधी दल जो भी थे कांग्रेस के समय के जो विपक्षी दल थे उन्होंने एकजुट होकर सभी राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और जिसे प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है वो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे उनके द्वारा दिया गया था और ये जो उस समय का जो गठबंधन बना था वो कांग्रेस विरोधी गठबंधन जितने भी विपक्षी दल थे वो सारे एक होकर के कांग्रेस के विरोध में आए थे और इस तरीके से ये गैर कांग्रेसवाद का शब्द है वो प्रचलित हुआ। अगला पॉइंट है राम मनोहर लोहिया, तो प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया वो उनका जीवन काल 1970 तक प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे, नेता थे और मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक थे और गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में उन्होंने मौलिक योगदान दिया और ऐसे नेता थे जिन्होंने चर्चित रूप में जिन्होंने नेहरू जी के खिलाफ में मोर्चा खोला। तो राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। अगला जो हमारा पॉइंट है राजनीतिक भूकंप, राजनीतिक भूकंप क्या है, तो 1967 में जैसे कि आप बोल रहे हैं चौथे जो आम चुनाव हुए थे उसके परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और क्रांति स्तर पर यानी देश के लेवल पे और विभिन्न राज्यों में जैसे 9 राज्यों में उनकी सत्ता चली गई थी। तो तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संख्या दी, यानी 1967 के जो चुनाव परिणाम थे उनको राजनीतिक भूकंप की संख्या दी गई जिसमें कांग्रेस का जो 3 लगातार चुनावों में जो वर्चस्व था उसको चुनौती मिली, कई राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार है वो हट गई यानी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी खासकर 9 राज्यों में। तो इस तरह की जो भी घटना हुई इसको राजनीतिक भूकंप की संख्या दी गई। और एक और जुमला जो प्रसिद्ध हुआ था दल बदल जिसमें आया राम गया राम, अब इसके संबंध में छोटी सी कहानी है वो भी आपके पाठ्यपुस्तक में दी हुई है। तो एक नेता जी थे जिन्होंने बार बार जो पार्टी पलटी थी उसके अनुसार ये जुमला आया प्रसिद्ध हुआ। तो 1967 में विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटनाओं से राजनीतिक शब्दकोश में एक नया जुमला आया और जिसे आया राम गया राम कहा गया। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों जिसमें हरियाणा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और तब से ये जुमला पड़ा आया राम गया राम वाला। इसकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अपने पाठ्यपुस्तक में इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगला है पॉइंट है इंदिरा बनाम सिंडिकेट, तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर एक ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें जो पुराने कांग्रेस के नेता थे वो थे और उनका मकसद ये था कि वो किसी भी तरह से अपने इंदिरा गांधी को अपना प्रभाव जमाना चाहते थे और इन नेताओं में मद्रास प्रांत के जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज वो थे प्रमुख। सिंडिकेट नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर काम करेगी क्योंकि इंदिरा गांधी राजनीति के क्षेत्र में नहीं थी और सिंडिकेट के जो पुराने कांग्रेसी नेता थे उनको ये अंदाज था उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनके कहने पे या उनकी राय से काम करेगी, लेकिन इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वह बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को आशे पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि उनका धीरे धीरे पार्टी से उनका जो भी है प्रभाव है वो कम होता गया और इंदिरा गांधी का जो प्रभाव है वो पार्टी में बढ़ता गया। अगला है राष्ट्रपति चुनाव 1969 यानी 69, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में सामने आई। उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कांग्रेस का जो घोषित उम्मीदवार थे वो एन संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी वरा वेंकट गिरी उनको बढ़ावा दिया और उनको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके वीवी गिरी को है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीता दिया और पार्टी के आधिकारिक जो उम्मीदवार थे एन संजीव रेड्डी वो चुनाव हार गए। तो इस चुनाव से इंदिरा गांधी के प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और जो भी सिंडिकेट के जो पुराने नेता थे उनको एक तरह से निराश होना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा जो भी कैंडिडेट खड़े किए गए थे नीलम संजीव रेड्डी उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनको वो पार्टी के टिकट पर खड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण थे राष्ट्रपति चुनाव 1969 के। अब एक शब्द आता है प्रीविकर्स, प्रीविकर्स क्या है, तो भूतप्रदेशी राज्यों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते को प्रीविकर्स कहा गया है। 1971 के चुनाव के बाद में ये सबसे बड़ा मुद्दा था और चुनाव के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। अगला हमारा जो पॉइंट है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना,
अब जैसा कि आपने 67 के चुनाव में देखा कि कांग्रेस को काफी हद तक हार का सामना करना पड़ता और दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई और फरवरी 1971 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो था कि इंदिरा गांधी का चमत्कारी व्यक्तित्व था और उनके नेतृत्व क्षमता थी, समाजवादी नीतियाँ और कांग्रेस पर उनकी पकड़ थी और उनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो भी लोगों को काफ़ी प्रभावित किया उसने और इस तरह से कांग्रेस की वापस पुनर्स्थापना हुई। इंदिरा गांधी ने जो सिंडिकेट कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको आशीर्वाद करके अपने बलबूते पे कांग्रेस को विजय दिलाई, तो ये महत्वपूर्ण थे 1971 के चुनाव। और 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ और युद्ध छिड़ गया और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि और बढ़ गई और 1972 में राज्य विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। तो 1971 के जो भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें बांग्लादेश के जुड़े के कारण इंदिरा गांधी को काफ़ी फायदा मिला राजनीतिक रूप से। अगला हमारा जो बिंदु है वो है के कामराज। तो के कामराज है वो 1930 से 1975 तक इनका जन्मकाल रहा। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और मद्रास यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और मद्रास प्रांत में शिक्षा के प्रसार और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए वो प्रसिद्ध थे। अब जिसको आप आज मिड डे मील के नाम से जाने जाते हैं और उस मिड डे मील योजना की जैसे इसके जो बीज है वो आप देख सकते हैं कि कामराज की जो योजना थी या वो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री थे उस समय उनके विचारों में ये थे योजना थी लागू करने के लिए प्रसिद्ध थे। 1970 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी के जो भी युवा कार्यकर्ता है वो कमान संभाल सके और ये उनका जो प्रस्ताव था वो कामराज योजना के नाम से फेमस हुआ। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कामराज योजना क्या थी, तो कामराज योजना ये थी कि कामराज जो के कामराज थे कांग्रेस के पुराने नेता और कांग्रेस के जो भी प्रमुख भी रह चुके थे और मुख्यमंत्री तमिलनाडु प्रांत के रह चुके थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि जितने भी पुराने नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जो नए युवा कार्यकर्ता है उनको मौका देना चाहिए। तो इस ये क्या कामराज थे। अगला जो हमारा बिंदु है या पॉइंट है वो है युवा तुर्क। तो कांग्रेस का एक गुट था जिसमें चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन दारिया और कृष्णकांत और आर के सिन्हा जैसे लोग शामिल थे और इस गुट में यह इनको युवा तुर्क आ गया। अब एक सिंडिकेट कांग्रेस जो थी जिसमें पुराने कांग्रेस के नेता शामिल थे जिनका मुकाबला इंदिरा गांधी के से बाद में रहा यानी राजनीतिक टकराव रहा, हालांकि इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में पहली बार सहायता की थी। तो सिंडिकेट के कुछ प्रमुख नेता भी कई बार घुसते थे, उसमें पहले नेता थे के कामराज, दूसरा एस के पाटिल, तीसरे अतुल्य घोष और चौथे थे एस निजलिंगप्पा। ये है सिंडिकेट कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता थे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा कि 1970 के चुनाव कांग्रेस की हार का बड़ा कारण पार्टी के उन दो गुटों जिनमें युवा तुर्क और सिंडिकेट में बटना भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण 1970 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। अब बाद के जो बदलाव थे वो क्या क्या थे। तो 1960 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने यह फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की भूमिका राज्य है बड़ी भूमिका निभाएगा और 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, लेकिन सरकारी नियंत्रण वाली जो अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति अधिक दिनों तक कायम नहीं रही क्योंकि इसके कुछ कारण थे। एक तो भारत की जो आर्थिक प्रगति दर है वो 3 से 3.5% ही रही, इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा, नौकरशाही के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया और फलतः 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया यानी राज्य की भूमिका को सीमित करने के प्रयास किए गए। तो ये बात के जो बदलाव थे वो थे। अब इस तरीके से इस पार्ट का ये संक्षिप्त जो भी मतलब रिविजन क्विक रिविजन था मैंने आपको कर दिया। अब आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा और अपने साथियों से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।